आज हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म की फलियां और आलू की सब्ज़ी तैयार की है। किस तरह तैयार की है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को स्किप ना करा करें, पूरा देखा करें। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों से चंद बातें भी की हैं ऐसी जो कि बहुत ज़रूरी हैं, प्लीज़ वॉच करके और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आइए आप फलियाँ आलू तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखरम होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये हैं फ्रांस बीन, और ये कुछ पकी हुई थी और कुछ कच्ची थी, तो जो पकी हुई थी उसमें से मैंने फली निकाल ली है। ये देखिए ये लोबिया टाइप जो फली है ये निकल आई है, क्योंकि यही लोबिया बनता है सफ़ेद या लाल, ये मुझे नहीं पता ये कौन सा वाला था, लेकिन इस तरह जो है वो मैंने निकाल लिया है। ये तकरीबन डेढ़ पाव फलियां हैं ये जो निकल आई हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह बारीक बारीक काट ली हैं, पहले धो लिया था फिर काटा है। अच्छा, मैं इंग्रेडिएंट्स आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि मैं इसको क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच घी जो है वो रख लिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं डालती हूँ 2 दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज डालती है। प्याज को करेंगे हल्का सा ब्राउन, इसको गोल्डन ब्राउन कहते हैं, हम वो कर लेंगे। मैं ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करती हूँ, मैं आपको बस जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती और बहुत शॉर्ट शॉर्ट मेरी क्लिप्स होते हैं इसमें, ताकि आप जो है वो मेरी वीडियो एंड तक देखें और स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने वाली कोई बात होती ही नहीं है इसमें। लेकिन अभी मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी है, एक तो अपनी वीडियोज़ के बारे में कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है। दूसरी, आप मेरे वीडियो के कमेंट्स में जाएं तो आपको फिटनेस मास्टर का जो चैनल है उनका लिंक मिलेगा चैनल का, आप काइंडली उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी फ़िटनेस के लिए जो है वो आपकी बहुत हेल्प करेगा वो चैनल। तो प्लीज़ आप फिटनेस मास्टर जो है वो नीचे लिंक आता है मेरे कमेंट्स में, वो कमेंट पे आप उसको उस लिंक पे आप क्लिक करके आप उस चैनल में जाइए, उनकी वीडियोज़ देखिए और उसको जो है वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और दूसरी बात यह है कि एक और चैनल है गोल्ड स्टार बुटीक, आप वहां पर जाएं, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस और बहुत ही अच्छी अच्छी जो है वो डिज़ाइन मिलेंगे। तो आप वहां पर जाएं, आपको वहां आपके लिए टिप्स भी हैं बहुत सारी और आपके लिए दिलचस्पी का काफ़ी सामान है। आप उस चैनल पर जाएं और उस चैनल को भी आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम कर लेते हैं प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन। अच्छा जी, देखिए हल्का गोल्डन सा मैंने कर लिया है प्याज को, इससे ज़्यादा ना करें। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शामिल कर दिया। 1-2 मिनट इसको भी चलाऊंगी मैं, तकरीबन 2 मिनट मैंने लहसुन के पेस्ट को जो है वो चला लिया है। यहाँ पर 3 अदद टमाटर है मेरे पास कटे हुए, छिलका रिमूव कर दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। और हल्का सा हम इसको जो है नरम होने तक पकाएंगे, वही बेसिक तरीका जो है मसाले वाला वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जी टमाटर जो हो गए हैं अच्छे खासे से नरम, तो अब यहाँ पर जो है वो मैं शामिल करूँगी मसाला जात। तो मसाला जात भी बहुत सिंपल से हैं, 1/2 चाय के चम्मच हल्दी है, 1 चाय के चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चाय के चम्मच गर्म मसाला पाउडर है, मिक्स है ये गर्म मसाला, 1 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चाय के चम्मच नमक है, नमक और मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें, 1/2 चाय के चम्मच अदरा मिर्च है और 2-3 चुटकियाँ कलौंजी की हैं। तो मैं ये तमाम मसाला ये इसमें शामिल करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी का छींटा ताकि मसाले जले ना, क्योंकि फिर टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। और अब हम इसको धीमा धीमा सा भूनेंगे अच्छे तरीके से, ताकि मसाला बहुत ही अच्छा सा बन जाए। मसाला जी 4-5 मिनट में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा भून गया है, देखें ऑयल जो है वो छूट गया है। अब यहाँ पर हम फलियाँ जो हैं वो शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको 2-3 मिनट इसको भी भून लेते हैं इसके साथ। जी हमने 3-4 मिनट फलियाँ भी मसाले में डालकर भून ली हैं, अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ देते हैं। अगर पानी की ज़रूरत हो तो सिर्फ 1-2 घूंट आप पानी का इसमें लगा सकते हैं, ताकि मसाला जो है वो नीचे से जले नहीं। और हम इसको ढककर दम पर रख देते हैं कुछ देर के लिए, 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर मैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू हैं जो मैंने कट कर लिए हैं, ये मैं डालती हूँ। और
हम इसको भी रख देंगे दम पर, चाहे तो थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं आप। इसको मिक्स करते हैं आलूओं को पहले, ठीक है। और अब मैं इसको भी दम पर रख देती हूँ आलूओं के गलने तक। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आलू भी गल गए हैं और फलियाँ भी गल गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट आया है, मैंने चख के देखा है इसको। तो कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़।